कुढ़नी उपचुनाव में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी गए हुए थे। और देखिए कुढ़नी में आज बवाल हो गया है। जनसभा के दौरान तमाम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी जो है आक्रोशित हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें देखिए किस तरीके से हंगामा करते नजर आए अभ्यर्थी। और बता दें आपको राजधानी पटना में पिछले कई महीनों से गर्दनीबाग के इलाके में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया जो है वो जल्द तरीके से पूरी नहीं हो रही है, जिसके बाद तमाम ये अभ्यर्थी अब आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर रैली में जाते नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जब तेजस्वी यादव मंच पर पहुंचे हुए थे, भाषण दिया जा रहा था, उस दौरान तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो आक्रोशित हो गए। हालांकि तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है, राजद और जदयू के कार्यकर्ता है, उनके द्वारा इन शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो है मारपीट किया गया, उनसे जो है बदतमीजी की गई और अभ्यर्थी जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पूरी जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्या कुछ हुआ पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। तो ये आपने देखा जनसभा जो कुढ़नी में हो रहा था, कुढ़नी के कड़ेला मैदान में ये जनसभा थी। वहां पर आज जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे नीतीश कुमार, उनके साथ तेजस्वी यादव थे, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे, तमाम नेता जो है महागठबंधन के वो इस समय कुढ़नी में थे। और उस समय जो है तमाम अभ्यर्थी इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होते ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तकरीबन 30 मिनट तक यह हंगामा होता रहा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है झड़प भी देखी गई। स्थानीय प्रशासन जो है मौके पर पहुंची और जो खबर सामने आ रही है कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और बातें जो सामने आ रही है FIR दर्ज करने की भी बात सामने आ रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया को लेकर ये अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन करते रहे हैं, अनोखे प्रदर्शन जो है देखने को मिले हैं, लेकिन इनकी बात जो है सरकार नहीं मानती है। तो अब उन्होंने रैली में पहुंचकर अपने आक्रोश को व्यक्त किया है, अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं से झड़प देखी गई। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए और अभ्यर्थियों को समझा बुझा कर बाहर निकाला गया। कुछ अभ्यर्थियों को पकड़ भी लिया गया है, हालांकि उन्हें छोड़ने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अशिक्षक अभ्यर्थी जो है अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बता दें 5 दिसंबर को कुढ़नी में मतदान होना है, उससे पहले आज तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी सहित तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो मंच पर मौजूद थे और मंच पर भाषण का दौर जारी था। इस बीच शिक्षक अभ्यर्थी हाथ में लेटर लिए हंगामा करने लगे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। कुछ मिनटों तक यह हंगामा चलता रहा और बताया जा रहा है कुछ लोगों को चोट भी आई है। और राजद के कार्यकर्ता, जदयू के जो कार्यकर्ता थे वो कुर्सी से मारपीट करते नजर आए, चोटें भी आई है। हालांकि इस पूरे मामले पर कोई भी मंत्री जो है बोलने को तैयार नहीं थे। कुढ़नी से जो खबर सामने आ रही है, नीतीश कुमार पटना लौट चुके हैं, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है एक बार फिर पटना की सड़कों पर अब तैयार है सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने को। बता दें बिहार में BPSC, BSCC तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग चीजों की तैयारी करते हैं उन्हें सड़कों पर आकर अपनी मांग को रखना पड़ता है। कई बार सरकार उनकी बात को नहीं मानती है, तो इसी तरीके का नजारा जो है देखने को मिलता है, जो आज कुढ़नी के करेला मैदान में देखने को मिला। अब देखना होगा कि सरकार सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया कब तक करती है। शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इनकी बात को कब तक माना जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलेगा। आप बने रहे द बिहार टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।